नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों सुर्खियों में है स्वदेश निर्मित भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत। इसके साथ ही साथ जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। असल में अभी हाल ही में INS विक्रांत के 4 चरणों का ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी INS विक्रांत को 2 सितंबर को ऑफिशियल तौर पर कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना को सौंपेंगे। इसके साथ ही साथ यह देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में यानी इसे शामिल किए जाने से पहले भारत में वर्तमान में केवल एक ही विमान वाहक पोत है, जिसका नाम INS विक्रमादित्य है और यह असल में रशिया का बना हुआ है। इसके साथ ही साथ ये जो INS विक्रांत है, इसकी जो इक्विपमेंट्स है, यह भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए हैं, जिनमें अम्बाला, दमन, कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे और नई दिल्ली शामिल है। इसके साथ ही साथ ये जो INS विक्रांत है, इसका नाम असल में भारत के पहले विमानवाहक पोत पर ही रखा गया है। भारत का जो पहला विमानवाहक पोत था उसका भी नाम INS विक्रांत ही था, हालांकि वो मेड इन इंग्लैंड था, यानी कि वो इंग्लैंड का बना हुआ था और उसे वर्ष 1961 में नौसेना में शामिल किया गया था और वर्ष 1997 में उसे सेवानिवृत्त किया गया था। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि भारत का दूसरा जो विमान वाहक पोत था, इसका नाम INS विराट था, जो कि इंग्लैंड का ही बना हुआ था और इसे वर्ष 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था और वर्ष 2017 में इसे सेवानिवृत्त किया गया था। इसके अलावा भारत का जो तीसरा विमान वाहक पोत है, इसका नाम है INS विक्रमादित्य, जो कि रशिया का बना हुआ है और इसे वर्ष 2013 में नौसेना में शामिल किया गया है और ये अभी भी कार्यरत है। इसके साथ ही साथ जो INS विक्रांत है, इसे बनाने में कुल तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक की लागत आई है। INS विक्रांत की जो पूरी केबलिंग है, जो तकरीबन 2,500 किलोमीटर तक का लंबा है, इस पूरी केबलिंग का काम भी भारत के अंदर ही किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस सहित उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 40,000 टन से ऊपर के विमान वाहक पोत का निर्माण करते हैं। और ना केवल इतना ही है, बल्कि भारत अब उन देशों में भी शामिल हो गया है जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता भी है। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं INS विक्रांत की खासियत क्या क्या है। ये जो INS विक्रांत है, सबसे पहले तो इसका वजन 40,000 टन है, यानी इस पर तकरीबन 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं। इनमें MiG-29K, Kamov-31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। और ना केवल इतना, बल्कि इस एयरक्राफ्ट में 2300 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं और साथ ही साथ इसमें एक साथ 1700 लोग अभी आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए एक विशेष केबिन भी तैयार किया गया है। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसका जो सबसे मेन इक्विपमेंट होता है वह होता है उसका फ्लाइंग डेक, यानी कि उसका रनवे। और ये जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है, इसका जो रनवे है यह तकरीबन 262 मीटर लंबा है, यानी सीधे तौर पर कहें तो यह तकरीबन 2 फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा है। इसके साथ ही साथ इस युद्ध पोत की जो स्पीड होगी वह 28 नॉटिकल माइल्स यानी कि तकरीबन 52 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी स्पीड होगी। साथ ही साथ ये एक बार में 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा INS विक्रांत की कुल लंबाई 262 मीटर, इसकी चौड़ाई 62 मीटर है और ऊंचाई 59 मीटर है। इसके अलावा INS इसके अंतर्गत टोटल 8 बिजली जनरेटर्स का यूज किया गया है, जो कि मेनली सीधे तौर पर समझें तो यह एक कोच्चि शहर को रोशन करने के लिए काफी है। इसके साथ ही साथ इसमें अत्याधुनिक अस्पताल परिसर भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ इसमें विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिए शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही साथ चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है। इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि भारत का सबसे पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या था, उसे कौन से देश के द्वारा बनाया गया था और उसे कब कमीशन किया गया था और कब डीकमीशन किया गया था, यानी कि कब उसे नौसेना में शामिल किया गया था और कब उसे सेवानिवृत्त किया गया था। इसका भी आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।